हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे ब्लॉग में। न्यू ब्लॉग की शुरुआत कर रही मैं आज अपने घर से। ये है दीदी, यानी कि मेरी जेठानी, ये है ससुर हमारे पड़ोस के। तो आज फिर हम जा रहे हैं भोज भात खाने, जैसे घरों में बोलते हैं ना भोज भात खाने। तो भोज भात खाने जा रहे, मतलब पितृ प्रसाद है। तो क्या तो बस छोटी, तो मतलब सराद है किसी का, मतलब वो है तो वो नेपाल से पर रहते, ये हमारे पड़ोस में इधर जाखने बोलते हैं ना, वहाँ रहते हैं उनके मम्मी पापा। मतलब लगभग 30-40 साल हो गए उन लोगों को यहाँ, तब से वो लोग यही हैं। तो उनके मम्मी पापा तो मर गए, पहले पापा मरे फिर मम्मी मरी। तो आज मम्मी का श्राद्ध जो 3 साल पे होता है, तो उन लोगों का हमारे यहाँ आना जाना होता है। हम अपने कार्य में उनको बुलाते हैं, वो भी हमको बुलाते हैं। आज हम वहीं जा रहे हैं जिनके यहाँ वो लोग रहते हैं, वहाँ के लोग बाहर रहते हैं, उन्होंने सारा अपना घर उन्हीं के पास छोड़ रखा है। तो वही करते हैं वहाँ की देखभाल, बगीचा बगीचा कर रखा है उन्होंने। और आज हम वहीं जा रहे हैं, दिखाते हैं आगे आप लोगों को उधर का दृश्य, दिखाते हैं वहाँ सब्जियाँ भी बहुत सारी होती है। हम भी वहाँ से सब्जी और अखरोट हो गए, आड़ू हो गए, सब्जी होता है। ये हमारा अभी घर है, अभी आप अपने ही घर में। ये है हमारी गौशाला, यहाँ से मैं आप लोगों को सतमुनि का नज़ारा दिखाती हूँ। हमारे यहाँ से पौड़ी के बंगले भी दिखाई देते हैं। ये रहा इतनी ऊंचाई पे हम, यहाँ देखो आप, ये है अगस्तमुनि, वो सामने किनारे पे। अभी तो मौसम खराब हो रहा है इसलिए साफ नहीं दिखाई देगा। तो झड़ गए इसके, नया मोदियार आ गया, नया कोम्पल आ गया, मोदियार आ गया। नहीं देखो चौखम में भी अभी सारे बादल लगे हुए हैं, बारिश आने के लिए हो रही है। आ गए हैं सब लोग, बुरा के पास पेड़ भी है। हम जंगल के रास्ते जा रहे हैं क्योंकि रास्ता ये ऐसे है ना जंगल के। ये तो बुरांस भी है, बुरांस होगा अभी तो है, काफा भी थी, काफा वो है तो नो। ये भैया जगह देखो कितना सुंदर नजारा दिख रहा हमारे यहाँ का, देखो। और क्या बुरा, हाँ बुरा सा छीन लिया बाबा, देखो जूस बनाओ जहाँ था यार। अब इतने सारे पुराने हैं अभी भी हमारे घरों में, हमारे जंगल में। देखो अब लग रही थोड़ी सी धूप आ गई, थोड़ी सी। अब ये है हमारा जंगल, ये देखो बुरांस बांज और काफल, बुरांस काफल देखो तो कितने सारे काफल। हम यही आते, ये हमारे घर के बगल में यही आते हैं हम काफल के लिए। ये देखो परोसा के लिए डब्बे, इन्होंने डब्बे भी रखे हैं, इन्होंने परोसा के लिए डब्बे भी रखे हुए। ये देखो कितने सारे हैं यहाँ। ये है नीचे बीरी बाजार बांसवाड़ा, ये देखो जल्दी जलाई अगस्त मुनि दिखे में पार अगस्त मुनि। ये यहाँ पे हमको एक काफल का पेड़ मिल गया, ये देखो ये काफल का चिन पा क्या, ये सोना खाएंगे इसको। ये देखो ये भैया जा भैया, ये काफल की टहनी है, ये देखो काफल। ये पहले भूई पर रखना पड़ा रहा, नहीं ये देखो यहाँ कितने सारे काफल है, ये हाँ सुंदर देखो यहाँ अभी बैठी काफल वही हमें जो है। चेत के महीने के काफल, ये देखो काफल। तभी तो मैं फटाफट घर आई काफल खाने के लिए, देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। ये लोड़ी कर सुंदर सुंदर का पड़े लगा ले, ये देखो ना गाड़ा फड़ा का काफा ये सोंडे पर डाल जाने तू आ नाम सुन के ए अकन के दम था थोड़ा ना यार, आए मोया रोल तो बस
नहीं आ जा, रुको रुको निकालो पकड़ी जाओ ना तेरे जो पति एक्शन में जाए। हाँ कहते अच्छा ना। हाँ हाँ। आप लोग भी आओ कापल खाने। ये यूट्यूब का फोटो गाड़ी हमने बहुत करी है। हाँ हाँ ये देख क्या सुगाड़ी है। वीडियो भैया लो दीदी हम तीन हूँ कब कर। यार यार खुद बनाओ चलो यार खुद। इसे लाइफ करने। तू तो लाइफ जो। और कुछ लोग सासु कुप सासु लोग ऊपर पे बैठ के हम उनको वहीं पर ले जाएंगे कापल पे उनको चखा रहे हम कड़े मोड़ो खूब सासू खूब सासू जी दे कमे वो कापल। हाँ देखो हम उनको चखा रहे हैं तुम को जाना हुएगी प्रा मीठे हो रहे भाई ऐसा कहाँ मिलेगा देख ले देखो ब्याह पड़ी फिसलन भी है यहाँ मेरी खट्टी रोड़ी गे दीदी रोड़ी से भाई बांझ का पत्तियालू माँ खट्टी रोड़ी गे चल 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 बांझ का पत्तियालू माँ खट्टी रोड़ी गे ये देखो दीदी ये बढ़िया देवता का दर्शन कर रही है ये देखो जंगल का देवता है ना ये रक्षा करता है हमारी ये देखो इसका ध्यान दे देखो दीदी बजा रही है गान जंगल के बीच में है ना ये देखो दर्शन भी हो गए अब आ गई दीदी एक बार कुछ बोल रहे हैं बोला मेरो राम सीता मेरो नाम हौसला की बैरी छो पत्ती की नारी छो हम सेना बेबते माँ बन 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 जाए ना पहलपुर वही ये तीजो बहुत बढ़िया हमारे पहले के लोग हैं ना बुजुर्ग लोग उनको काफी एक्सपीरियंस है मतलब जागर बोलने का एड़ी अचरी के जागर बोलते हैं पहले लोगों को तो मतलब खूब आते के गाने आजकल के तो वही है म्यूजिक सिस्टम है ना और हम पहुंच चुके हैं घर में जहाँ पे प्रसाद बन रहा है लोग लगे हुए यहाँ पे खाना बनाने पे हम तो जल्दी आ गए जल्दी आ गए ना हम ये देखो डॉगी निकाल दो यू यू काट दो कहता काट दो डॉगी आ जा अच्छा चलो ये मुर्गा भी चिन्ह है तुम खाना खेली जी पना ठीक तबियत पारी परसी ये भी अब आख रजल बकरिया है आप लोग का खाचन पसंद में नहीं हो रहा ओ घेरा चन ठीक ठीक अब बल्द रजन जा रहा ओ तो अधिक होना पहुंच चुके हैं हमने के घर में पितृ प्रसाद नमस्ते दीदी नमस्ते ठीक ठाक ठीक छिन और प्रणाम बकरी दिखे ना सी बाखरा देख जा ये इनका घर ये देखो ये है चूली है कैसे बना ये तो पड़ी हाय यहाँ कौन सा यहाँ पार्क है ना हाय हेलो इनका यहाँ पे बगीचा कर रखा है ऐसा ना मेरा फल ये लहसुन ये धनिया भी काट रखा है बढ़िया देखो तो यहाँ मेहनत हो गई बोते हैं ये लोग भाई प्याज भी लगे प्याज देखो ये है प्याज आलू भी पाकर बैठे हूँ सच बैठे हूँ पकड़ नहीं निकल नहीं हो खाना तक है ये तो कौन कहा नहीं और दो तो बना दो तुम यू क्यों फूल तुलसी हो ना यार तुलसी चलो से है ये तुलसी देखो तो यार तुलसी चलो
देखो राय देखो कितनी मेथी और ये है लहसुन मुंगरी मक्की ये देखो मक्की भी डाल रखी बीच बीच में गांव में इसे मुंगरी बोलते हैं ना गांव में इसको मुंगरी बोलते हैं ना या तो वैसे तो मक्की बोलते हैं है ना जंगलों के बीचों बीच में है ये बिल्कुल सारा इधर उधर से जंगल है ये देखो आप लोग चारों तरफ से जंगल है यहाँ पे अकेले रहते हैं ये लोग यहाँ पे यहाँ देखो ये है इनका बगीचा ये पेड़ हैं चूला पोलम अखरोट हो गया आड़ू हो गया ये हैं अखरोट के पेड़ अखरोट भी आ गए हैं इन पे इन्होंने यहाँ पर बकरी मुर्गे गाय भैंस तो नहीं है पर गाय और बैल रखे हुए हैं ये है इनका बगीचा अभी खाना बना नहीं तब तक हमने सोचा जरा इधर का व्यू दिखाते हैं आप लोगों को ये अखरोट का पेड़ ये आड़ू का पेड़ कुछ सूख गया इन्होंने ये काटा है बाकी ऊपर तो एक साइड तो है ही उसमें भी आ रखे हैं आड़ू बुरास यहाँ देखो नींबू भी यहाँ भी था ये है नींबू नीमू भी छिन्नी होनी कागजी को कागजी को ये कागजी भी छिन ये देखो चारों तरफ से जंगल है जंगल जिनका ये घर था ये बगीचा है वो लोग यहाँ नहीं रहते वो लोग बाहर रहते हैं उन्होंने इन्हीं के पास सौंप रखा है सारा वो नौकरी वाले हैं बाहर रहते वो कभी नहीं आते इधर नहीं होना ना सीओ कभी चलो ठीक है दोस्तों मिलते हैं आगे और ये है गीता दीदी की बकरी जो नेपाल से हैं और यही रहते हैं मैंने बताया था ना आप लोगों को पहले इतनी मेहनती है ना ये दीदी बकरियाँ रखे हुए गाय बैल और मुर्गे भी रखे हुए और यहीं पर रहते हैं ये लोग यहीं पर अपना बगीचा कर रखा है इन लोगों ने यहाँ आओ ना दीदी आप भी आओ ये है हमारी गीता दीदी दिख नहीं रहे यार इधर आओ अंदर आओ यार ये है गीता दीदी इनके मतलब भाई बहन इनकी बेटी इनके पति लोग सब यही रहते हैं पहले इनके मम्मी पापा रहते थे यहाँ वो तो रे रामा मर गए आज मम्मी की वो थे क्या था साल भर का ना बरसी थी पितृ प्रसाद तब हम लोग भी आए इधर ये है दीदी का यही अंदर रहने के लिए बना रखा अपने अपने लिए दिखाते हैं आप लोगों को है कैसे बना रखा ये लकड़ियों का जाल बना रखा है ये है इन्होंने अंदर ये बना रखा अपने लिए ना ना नहीं मार ना ये है बना रखा अपने लिए देखो तो यहाँ चरपाई लगा रखी है ये गदे लता भी ऐसे फैला रखे है ना ये बना रखा इन्होंने देखो तो सेम मेहनती है भाई आप अपने आप बनाए दीदी है बाप रे ये देखो नहीं माँ कोई ना माँ वो पार भी जा नहीं मार दा जा तुम बकरी सिन बो तुम तो ध्यान रख ना तुम सब दे पगरा हाँ दे दे और अब हमने खाना खुना खा लिया है पितृ प्रसाद खा लिया है अब चलते हैं हम घर अब मौसम भी खराब होने वाला है आ रहे हैं सब लोग ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में
बने रहें। कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोगों को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आइए देखो खा भी रहे पर घर भी ले जा रहे, परोसा भी रखा हुआ इन लोगों ने, बच्चे लोग है ना घर में बच्चे उनके लिए। चलो ठीक है, बाय बाय।